एक लड़के ने सोमवार को दो लड़कियों से मंदिर में सिंदूर भरकर शादी की। एक दिन बाद ही लड़के ने उनमें से एक लड़की को छोड़ दिया और दूसरी के साथ भाग गया। पति की इस हरकत से हैरान दूसरी लड़की ने शुक्रवार को थाने में रेप का केस दर्ज करवाया है। यह सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का है। दरअसल सोमवार को एक युवक अपनी नई प्रेमिका से शादी करने मंदिर पहुंचा तो वहां उसकी पुरानी प्रेमिका भी पहुंच गई। इस बात पर जब हंगामा होने लगा तो युवक ने दोनों की मांग में सिंदूर भरकर दोनों से शादी कर ली। इस अनोखी शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। युवक एक लड़की से प्यार करता था और शादी से पहले युवक की प्रेमिका ने उसको धमकाया था कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह जहर खाकर जान दे देगी। इस बात पर झगड़ा हुआ तो उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। शिकायत पर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही युवक को उसकी प्रेमिका को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। बताया जा रहा है कि युवक अपने इलाके की एक लड़की से पहले से प्रेम करता था। कई साल से उसकी प्रेम कहानी चल रही थी। उसके बाद सोमवार को लड़का नई प्रेमिका से शादी करने पहुंचा तो पूर्व प्रेमिका भी वहां पहुंच गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। इसके बाद घर के पास ही एक मंदिर में सबके सामने युवक ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ शादी कर उनकी मांग भरी और उन्हें मंगलवार सूत्र पहनाया। शादी में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया था।